जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11th 12th एग्रीकल्चर का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं दोस्तों, चाहे वो 2022 का हो, 2023 का हो, 2024 का हो। दोस्तों आप ये वीडियो किसी भी सन में देख रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसके लिए आपको सर्च करना है क्रोम ब्राउज़र में upmsp.education.in। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये वेबसाइट दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको होम बटन दिख रहा होगा, तो ये वेबसाइट दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पर होम बटन पर आपको एक बार सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही होम बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना, समस्त परीक्षा फल पे, और यहाँ से दोस्तों आप मॉडल पेपर, पाठ्यक्रम सत्र कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का। तो समस्त परीक्षा फल पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों पहले नंबर पर ग्रीन में दिखेगा हाई स्कूल कक्षा 10 का परीक्षा फल 2021। तो दोस्तों आप अगर जो 2022 में चेक करेंगे तो यहाँ पे 2022 लिखा रहेगा, 2023 में चेक करेंगे तो 2023 लिखा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो समस्त परीक्षा फल है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट कक्षा 12th का समस्त परीक्षा फल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 है और यहाँ पे लिंक खोले पे आपको क्लिक करना पड़ता है। और आप यहाँ पे 2015 से 2020 का भी चेक कर सकते हैं, आप किसी भी सन का चेक कर सकते हैं दोस्तों, आप 2022-23 किसी भी सन का चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो सिंपली आपको इंटरमीडिएट कक्षा 12th का परीक्षा फल जो लिंक खोले हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इंटरमीडिएट 12th एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे जनपद परीक्षा वर्ष, यानी कि आपने दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ज़िला सिलेक्ट करना है कि आप किस ज़िले से हैं। तो मैं सिद्धार्थनगर ज़िले से हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर, और ज़िले का कोड है 73। तो यहाँ पे मैं सिद्धार्थनगर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 2021 है, और दोस्तों अगर जो ये आप 2022 का चेक करेंगे तो यहाँ पे 2022 दिखाएगा। और रोल नंबर में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर डालने के बाद जो व्यू रिजल्ट है यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, तो मैं अपना रोल नंबर डाल लेता हूँ। दोस्तों मेरा रोल नंबर है 21-73-21-509। दोस्तों ये 11th 12th का दोस्तों दोनों का रिजल्ट लगभग एक ही में आता है, तो यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद मैं व्यू रिजल्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं व्यू रिजल्ट करूँगा तो थोड़ा वेबसाइट लोडिंग लेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप मेरा रोल नंबर देख सकते हैं 21-73-21-509, मेरा नाम दोस्तों दिनेश चौरसिया, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों कौन से, यानी कि 11th में एग्रोनॉमी होता है, बॉटनी होता है, एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेट होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एजी मैथ होता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 450 में 378 नंबर मिले हैं, जिसका टोटल 84%, यानी कि 11th में मेरे 84% आए थे। अब यहाँ पे मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पहले सब्जेक्ट में 89 नंबर मिला है, 81 नंबर, 88, 89, और दोस्तों मैथ का जो है उसमें वाइबा और प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए 31 नंबर मिला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।